हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं लास्ट सीटीएस प्रश्न जो हमने आपके साथ शेयर किया था उसके सॉल्यूशन के पास। तो लास्ट प्रश्न में हमसे आपसे ये पूछा गया था कि N SiH3 thrice जो है इसकी शेप क्या है और ये मोर बेसिक है या लेस बेसिक है देन NCH3 thrice। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। सो अब कैसे हम पता करेंगे शेप, हमें पता है ना वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, वहां से हम बड़े आराम से शेप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहां पहले से ही बना दी, ये हमारे पास है N SiH3 thrice, ठीक है, N एक SiH3, एक SiH3, एक और SiH3। कैसे हम पता करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते थे ना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो वहां से स्टेरिक नंबर निकल जाएगा, एक सिग्मा, तीन सिग्मा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल कितने हो गए, फोर हो गए, तो स्टेरिक नंबर फोर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पिरामिडल हो जाना चाहिए था, है ना। तो शेप क्या हो जानी चाहिए थी, पिरामिडल, बट ऐसा नहीं है, इसकी शेप पिरामिडल नहीं है। क्यों पिरामिडल नहीं है इसकी शेप, और हम ये बेसिक जो कैरेक्टर है वो कैसे कंपेयर करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो जो ये कंपैरिजन होगा उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है बैक बॉन्डिंग। यहां पर बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है हमें लग रहा है पिरामिडल है, बट पिरामिडल नहीं होगी। सो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या क्या है वो अब हम सीखते हैं। देखो जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है ये BF3 एंड वी ऑल नो बोरॉन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और फ्लोरीन का जो है इसके पास तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो क्या किया फ्लोरीन ने, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट किया। तो जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्लोरीन का बोरोन के पास चला गया, इस वजह से इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज और इस फ्लोरीन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है, बट देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। सो जो ये हुआ क्या, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने पूरा का पूरा बॉन्ड बना लिया, समवट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो यस, एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना लिया, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब एक लोन पेयर है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा एक बॉन्ड बना ले, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब लोन पेयर है वो बॉन्ड बना ले उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो आई होप बैक बॉन्डिंग क्या है आपको ब्रीफ में क्लियर हो गई हो। अब कब कब बैक बॉन्डिंग होगी, कब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या इनमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इन दोनों में लग रहा है नहीं लग रहा है, आइए सीखते हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या हो गई ब्रीफ में हमें समझ में आई, चलो अब हम देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग कब कब हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस। तो चलिए बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस जो है वो हम लिखते हैं। सबसे पहली कंडीशन देखिए क्या, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक सेकेंड पीरियड का हमें चाहिए ही है। एंड अदर, देखो या तो सेंट्रल एटम हो साइड एटम हो कोई भी क्यों ना हो, एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। एंड अदर जो है, अदर एलिमेंट्स जो है बॉन्ड्स बना रहे हैं, एंड अदर शुड बी सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। कम से कम एक सेकेंड पीरियड का हो, और जो दूसरा वाला हो या बाकी जो भी है, या तो वो सेकेंड पीरियड के हो या तो वो थर्ड पीरियड के हो, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है। ओके जी, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी एक पे, चाहे वो सेकेंड पीरियड वाला हो थर्ड पीरियड वाला हो, वी डोंट केयर, वन शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वन शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल हो या ऑर्बिटल्स। तो क्या कहा मैंने, एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए और अदर या तो सेकेंड पीरियड का हो या तो थर्ड पीरियड का हो, और वन शुड हैव एटलीस्ट, दोनों में से एटलीस्ट एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं यस बैक बॉन्डिंग होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपने ये कंडीशंस लिख ली हो, नहीं लिखी हो वीडियो पॉज करो, ये कंडीशन लिखो क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूं। ठीक है, मैं इसे रब करने वाला हूं। ठीक है, चलो ये मैं रब कर देता हूं। अब तो दोनों कंडीशंस हमने पढ़ ली, अब कब अप्लाई होंगी कब नहीं होंगी आइए देखते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको मैं सिखा दूंगा कैसे हमें पता चलेगा बैक बॉन्डिंग है या नहीं है। चलो सबसे पहले BF3 की बात करते हैं, हमें पता है BF3 में बोरॉन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, हमें पता है बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1p ऑर्बिटल इज वेकेंट, है ना, 1p ऑर्बिटल इज वेकेंट किस में, बोरॉन में, है ना, बोरॉन की बात हो रही है, एंड फ्लोरीन के पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर, तो दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो यस यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी। आओ आगे देखते हैं, BCl3 की बात करते हैं, अगेन सेम, बोरोन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यस BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग होगी। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, p ऑर्बिटल वेकेंट है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, तो क्या लगता है आपको, बताओ भाई यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, यहां पर नहीं होगी। क्यों, पहली कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए, एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड, दोनों ही थर्ड पीरियड है, हाँ वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, सेकेंड वाली कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही है बट फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से हम बोलेंगे AlCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती या नहीं होगी। ओके एवरीवन, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, NSiS3 ट्राइस और NCS3 ट्राइस इसके पास में चलता हूं, ये मैं रब करने जा रहा हूं। ठीक है, लीजिए जी, अब मैंने ये रब कर दिया फाइनली, अब हमने माहौल बना लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बैक बॉन्डिंग क्या होती है कब होती है क्लियर हो गए हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, NSiS3 ट्राइस में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। सबसे पहले नाइट्रोजन है और SiH3 थ्राइस है, मुझे पता है नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स तो नहीं है बट इसके पास हमें ये दिख रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिलिकन की बात करते हैं और हमें पता चल गया नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकन जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, कंडीशन वन सेटिस्फाइड, कंडीशन टू थी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अब सिलिकन के पास, सिलिकन चार बॉन्ड बना रहा है, सिलिकन हमें पता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सो ये 3s इसके पास होती है, 3p होती है जो यूज कर रहा है, 3d इसके पास वेकेंट पड़ी हुई है। ठीक है, 3d इसके पास वेकेंट पड़ी हुई है, किसके पास, सिलिकन के पास, बात आई समझ, सिलिकन के पास 3d वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़ी हुई हैं, सो क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एटलीस्ट वन सेकेंड पीरियड चेक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी चेक, तो यस यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग होने पे क्या होता था, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड बना लेता है,
मतलब जो मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाई ये गलत क्यों थी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा और यहां पर इस तरीके से डबल बॉन्ड बना के रखेगा। ठीक है, मान लो एक बार डबल बॉन्ड यहां आया, अब हमें पता चल गया क्या कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फिक्स नहीं है, वो डबल बॉन्ड्स वगैरह बना सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हमें क्या पता है कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो इसके पास लोकलाइज्ड वाला है ही नहीं, वो तो डीलोकलाइज हो रहा है, वो तो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने में यूज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 नहीं है। क्या है, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है सिंपली, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो कैसा होगा ये, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ध्यान से देखना एक बार, sih3 ऐसा होगा, या तो यहां डबल बॉन्ड, या तो यहां डबल बॉन्ड, या तो यहां डबल बॉन्ड, इनमें से किसी भी जगह डबल बॉन्ड होगा। और याद है ना जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड हम ऐसे बना देंगे, क्या करेंगे हम पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। सो इसका मतलब इसकी शेप कैसी है देखिए, यस sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, कैसी है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो लीजिए जी फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया, क्या शेप है NSiH3 थ्राइस की, वो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया हमें, अब बात आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या था, मोर बेसिक है या लेस बेसिक है देन दिस। अब हम इस NCH3 थ्राइस है इसके पास भी चलते हैं, इस NCH3 थ्राइस है इसके पास भी चलते हैं, चलिए देखते हैं यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, है ना। हो सकता है आपको देखने में लगे हो तो दिख ही रहा है सर हो ही जाएगी, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर है, कार्बन को बात अगर हम कार्बन की बात करें, यहां पर कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होती, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होती। इसका मतलब क्या कि भैया लोन पेयर तो है बट कहीं वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास है ही नहीं। लोन पेयर डोनेट तो दोनों करना चाहते हैं, मतलब लोन पेयर तो है डोनेट करने के लिए बट किसको दे, कार्बन के पास तो है ही नहीं जगह जहां पर वो इन डी ऑर्बिटल्स खाली होती फिर तो एक्सेप्ट कर लेता जस्ट लाइक सिलिकॉन, बट यहां पे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इसकी वजह से वो दूसरों को डोनेट नहीं कर पाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करना या H+ आयन को एक्सेप्ट करना इसके लिए उतना आसान नहीं है जितना इसके लिए है, क्यों, इसका तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछे NCH3 थ्राइस की शेप क्या है, इसकी शेप पिरामिडल होगी, इसकी शेप पिरामिडल है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट ओके NSiH3 थ्राइस में ऐसा नहीं है, यहां पर सब कुछ डिफरेंट है। सो क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NSiH3 थ्राइस के पास अवेलेबल नहीं है, वो बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, और NCH3 थ्राइस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है, तो ज्यादा जल्दी से और आसानी से ये डोनेट करेगा, जो लोन पेयर ज्यादा जल्दी से और आसानी से डोनेट करता है उसे हम लुईस बेस बोलते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है, NCH3 थ्राइस इज बेटर बेस। तो NSiH3 थ्राइस की शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इट विल बी लेस बेसिक देन NCH3 थ्राइस। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन एंड एट द सेम टाइम जो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया।